सत श्री अकाल, तुसी सुन रहे हो न्यूजीलैंड दा नंबर 1 पंजाबी रेडियो साडेला रेडियो 87.8 FM। मैं हाँ मनदीप कौर संधु लेके हाजिर हाँ पंजाब दे नाल संबंधित कुछ खास खबरां। पंजाब दे नवे बने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब दे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इकबाल प्रीत सिंह सहोता नूं चिट्ठी लिखके अपनी सिक्योरिटी च तैनात हमले नूं घटाउण दा हुक्म दिता है। दसदे कि मुख्यमंत्री चन्नी ने सहु चुकण वेले डीजीपी नूं हदायत कीती सी कि उहनां दे सुरक्षा अमले नूं घटाया जावे। हुण मुख्यमंत्री ने डीजीपी सहोता नूं चिट्ठी लिख के हुक्म दिता है कि उहनां दे सिक्योरिटी च तैनात अमले नूं घटा दिता जावे। पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के रणनीतिक सलाहकार साबका डीजीपी मुहम्मद मुस्तफा ने एक बार फिर ट्वीट करके कैप्टन अमरिंदर सिंह ते हमला बोलिया। मुहम्मद मुस्तफा ने कहा कि ऑपरेशन इंसाफ पूरा हो गया, इस विच बिना किसी कारण देरी हुई पर देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने कहा कि बयान अमरिंदर सिंह नूं मुख्यमंत्री की कुर्सी तो हटाने नाल जोड़ के देखा जा रहा है। मुस्तफा ने उन्होंने आगुओं का धन्यवाद भी किया जिन्होंने कैप्टन नूं सत्ता तो हटाने का काम सिरे चाड़िया। मुस्तफा ने कहा कि हुण पंजाब कांग्रेस का ध्यान मिशन 2022 ते जितेगा पंजाब ते रहेगा। उन्होंने कहा कि इस विच आने वाली इको एक रुकावट दूर होगी है। उन्होंने कहा पंजाब पंजाबी अते कांग्रेसियों नूं भरोसा दवाया है मार्च 2022 च कांग्रेस की पक्की जित होगी। उन्होंने चरणजीत चन्नी नूं मुख्यमंत्री बनाउण नूं आउट ऑफ बॉक्स करार दिता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहला ही नवजोत सिंह सिद्धू के मजबूत हाथों में है, इसलिए जित निश्चित है। दस कि मुहम्मद मुस्तफा कैप्टन सरकार समय डीजीपी अहुदे दी दौड़ विच सन, पर कैप्टन ने अपने चेहरे ते आईपीएस दिनकर गुप्ता नूं डीजीपी दे अहुदे ते तैनात कर दिता। इसे गल नूं लैके नाराज चल रहे मुहम्मद मुस्तफा ने कैप्टन नूं लंबे हाथी लिया। मुहम्मद मुस्तफा ने इस मौके ते एक व्यंगात्मक शेयर भी सांझा किया। उन्हें कहा कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, मुझको डुबोया और मैं उबरता चला गया। वो पैरवाई तो झूठ की करता रहा लेकिन उसका चेहरा उतरता चला गया। मंजिल समझ के बैठ के जिसको चंद लोग, मैं ऐसे रास्तों से गुजरता चला गया। लंघे 4.5 साल बादलों नूं गिरफ्तार करन दा राग आपते हुए पंजाब दी राज सत्ता ते काबज होए चरणजीत सिंह चन्नी अते उहनां दी सरकार लई बादलों नूं गिरफ्तार करना कोई खाला जी दा वाड़ा नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री बनन तों पहलां चन्नी अते उसदे साथियों दा सारा जोर कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं इस गल ते भांडदिआं लंघ गिआ कि उह बादलों दे नाल रले होए ने। हुण राज सत्ता दी चाबी चन्नी अते उसदे साथियों दे हत्थां विच आई है कि हुण उह बादलों नूं गिरफ्तार कर पाउणगे, इस लई सारे पंजाब दी नजरां इन्हां ते टिकियां होईयां ने। सूबे दे सियासी अते कानूनी घटनाक्रम च इह स्पष्ट कर रहे ने कि साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल अते सुखबीर सिंह बादल खिलाफ कारवाई चन्नी सरकार दे बहुता पक्ष च नहीं जापदी। जेकर पिछले समय ते नजर मारीए तां साबका IG कुंवर विजय प्रताप दी सिट वलों बनाई रिपोर्ट नूं हाईकोर्ट पहलां ही रद्द कर चुकी है। असल च कैप्टन अमरिंदर सिंह खिलाफ बगावत दा मुढ वी इस सिट दे रद्द होण तों बाद बज्जा सी। उस समय कैप्टन सरकार ने दूजी सिट भी बनाई जिसने अपनी कार्रवाई शुरू की, पर हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह दे गद्दी तो उतरदिआं ही इस सिट दे अधिकारी भी चुप धारण करके बैठे हुए ने ते दौड़दे नजर आ रहे ने। कैप्टन सरकार ने साबका DGP सैनी नूं गिरफ्तार करने लई पूरी जोर अजमाइश की जो कि सैनी राही बादलों तक पुज्जा जा सके। सैनी नूं तरह तरह के केसां च उलझाया गया, एक रात जेल अंदर भी रख्या गया। सवेरे सरकार नूं हाईकोर्ट ने अजिहा झटका दिता कि सरकार सारे पैंतरे ही फेल हो गए। सैनी की गिरफ्तारी से आ रही विधानसभा चोणां तक रोक लग गई है। इस समय कोई भी पुलिस अधिकारी सीधे तौर पर बादलों के नाल पंगा लैण के मूड विच नहीं दिस रहा। पंजाब दे नवे बने मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी दी अगवाई हेठ पहली कैबिनेट मीटिंग दौरान वड्डा फैसला लिया गया। मीटिंग दौरान मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने सारे जिलों के डिप्टी कमिश्नर अते SDMs नूं हदायत दित्ती कि पिंडां दे सरपंचां अते कौंसलरां दे नाल दाखला कार्ड बनाउण। इस नाल उह सारे सरकारी दफ्तरां ते सिविल सकत्रेत चंडीगढ़ दे दफ्तर दा दाखला लै सकणगे। दस दईए कि हाले तक सिर्फ वड्डे अधिकारी अते VIP समेत सकत्रेत मुलाजमां दी सिविल सकत्रेत विच एंट्री हुंदी सी। कैबिनेट मीटिंग दौरान पूरी तरह किसानी मुद्दा भी शायर है। किसान के मुद्दे को लेकर विचार चर्चा भी की गई है।
किसानों के भारत बंद नूं वेखदिआं होइआं खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर का वड्डा बयान आया। खेतीबाड़ी मंत्री ने कहा है कि मैं किसानों नूं अपील करदा हाँ वह अंदोलन का राह छड्ड के गलबात का राह अपनाउण। सरकार किसानों के वल्लों उठाए इतराजां ते विचार करन लई तैयार है। तोमर ने कहा कि असीं पहलां वी कई बार गल कीती, उस तों बाद जे उन्हां नूं लगदा है कोई मुद्दा बाकी है तां सरकार निश्चित तौर ते उन्हां नाल गलबात करन लई तैयार है। भारत बंद के मद्देनज़र दिल्ली समेत कई नेड़ले सूबिआं च सुरक्षा के प्रबंध किए गए। अंदोलन के 10 महीने पूरे होने तो बाद भी सरकार वालों कोई कार्रवाई ना किए जाने करके किसानों में नाराजगी है। वह आर पार के रौब नजर आ रहे हैं, जिसके चलते अज भारत बंद को समर्थन भी मिले और चारे पासे एक जो समर्थन है वह देखा भी गया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किसान जथेबंदियों वालों दिते भारत बंद को समर्थन नूं लैके विरोधी सियासी पार्टियां उत्ते सियासी हमला बोलिया। उन्हें कहा कि सियासी पार्टियां कुछ गिने चुनवे किसानों नूं गुमराह करके सियासी रोटियां सेकण दी कोशिश कर रही ने। अजिहे विरोधी सियासी पार्टियां किसानों के मोढ़ियां ते बंदूक रख के चलाउण दी कोशिश कर रहे ने, जबकि देश के वड्डी गिनती के किसान केंद्र सरकार अते नीतियां दे नाल ने ते इन्हां सियासी पार्टियां वल्लों उन्हां नूं गुमराह नहीं किया जा रहा। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि जिहड़े किसान आगू तीनों खेतीबाड़ी कानूनों नूं वापस लैण दी गल कर रहे ने, उह शुरू तो कहते आ रहे घट्टो घट समर्थन मुल भाव की MSP खत्म हो जाएगी, मंडियां बंद कर दी जाएंगी, जमीन से कब्जा कर लिया जाएगा। पर असलियत इसके उल्ट है। मोदी सरकार ने फसलों के घट्टो घट समर्थन मुल च वाधा किया, नवे बाजार खोले ने। इस दौरान उन्होंने कहा है कि किसानों की जमीन जबरदस्ती खोन वर्गी कोई गल नहीं हुई है। इस तरह हुण तक दीआं खबरां, नवीआं ते ताज़ा खबरां दी जानकारी दे लई सुनदे रहो न्यूजीलैंड दा नंबर 1 पंजाबी रेडियो साडेला रेडियो 87.8 FM। सत श्री अकाल। मैं क्या सुनियो, चलो आज बाहर दा खाना खवा लिया ये तानू। छड़ो जी रहन दियो तुसी, न्यूजीलैंड दे खाने विच पंजाब वाला स्वाद कित्थों लभना है। ओ तू फिकर ना कर गुरनाम करे, इत्थे न्यूजीलैंड च मिलेगा स्वाद पंजाब वाला रेस्टोरेंट ते, जिथे लगदा न्यूजीलैंड्स बिगेस्ट इंडियन बुफे विद 8200 आइटम्स, कमाल दीआं डिशेस ओ वी रीजनेबल प्राइस च। पैकिंग कराओ ते भावें बह के खाओ। प्राइवेट पार्टी दे लई हॉल भी है, 40-50 गेस्ट दे लई। सिर्फ इन्ना ही नहीं, 200 तक दी कैपेसिटी वाला हॉल भी ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਐਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਟਾਫ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ। ਕਾਲ 034-201-130।